वो है आपके पास फोन पे है? हाँ मैं लिंक भेज देता हूँ, दे दो। अगर आप म्यूजिक के दीवाने हैं तो ये व्लॉग सिर्फ आपके लिए है। आज हम अपने व्लॉग में कुछ म्यूजिक से रिलेटेड बातें करेंगे। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के म्यूजिक होते हैं। कुछ रॉकिंग होते हैं तो कुछ हार्ट टचिंग होते हैं। कुछ डीजे वाले होते हैं तो कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो कुछ एक्साइटिंग होते हैं तो कुछ बिल्कुल ही सिंपल होते हैं। हर एक म्यूजिक की एक इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, क्लासिक म्यूजिक का जमाना ही कुछ और था। उससे पहले एक काम कर लेते हैं। सो दोस्तों, पैकेट को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है, और जरा इसका कुछ सिनेमैटिक लुक भी देख लिया जाए। तो फाइनली आपके सामने आ गया है कारवा। पहले जब रफीदा गाते थे तो उनको सुनने के लिए बहुत से लोग आते थे। किशोर कुमार सर जी के गाने के आज भी कई लोग दीवाने हैं। सो जब जिक्र पुराने ज़माने के सिंगरों का किया गया है तो आज भी लता मंगेशकर मैम जी इन सब में सबसे आगे हैं। सो पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए बनाया गया है ये कारवा। इसमें आप पुरानी यादों में खो जाएंगे और म्यूजिक का असली महत्व को जानेंगे। चलो मैं तो इस कारवां के मजे लेता हूं, आप भी ले। काले कपड़े पहनकर यूजुअली कोई जाता नहीं है। अपने देश में काला रंग या काले कपड़े विरोध का प्रतीक माने जाते हैं। तो काले कपड़े पहनकर जब स्टेज पर शशि कपूर पहुंचे तो तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति सरदार ज्ञानी जैल सिंह अवार्ड देने वाले थे। अवार्ड सौंपते हुए शशि कपूर के हाथ में उन्होंने पंजाबी में कहा, की गल है।